हेलो दोस्तों, आज हमारा है एस्टिमेट द डिफरेंस 773 एंड हमारा क्या है 773 माइनस करना 354। ठीक है, क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द डिफरेंस 773 माइनस 354 टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 बोल रहा है। अब वेरीफाई द फाइंडिंग द एक्चुअल डिविजन, एक बार एक्चुअल डिविजन भी करना, मैं एक बार जो नंबर दे रहा हूँ उसको एक्चुअल डिविजन करना, एक बार उसको नियरेस्ट 100 ले जाना। नियरेस्ट 100 का मतलब है जैसे 773 है और ये है 773, तो हम देखेंगे नियरेस्ट 100 सेवन के बीच और 800 के बीच देखेंगे इसको। इस नंबर को हम कहाँ देखेंगे नियरेस्ट है, तो ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, देखो इसका होता, इसका सेंटर होता 750। अब देखो 750 से अगर कम हो तो 700 हो जाता है, और 750 से ऊपर हो तो क्या हो जाता है, 800 हो जाता है। तो अब ये देखो अगर मैं 700 से 800 के बीच में लिखूं तो ये समथिंग इधर आएगा 773, तो किसके नियरेस्ट आ रहा है 800 के, तो ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि 73 किसके नियरेस्ट है 700 किसके नियरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल 800 के नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये सेंटर है, आपको देखना किसके नज़दीक पड़ रहा नियरेस्ट, मतलब किसके नज़दीक पड़ा, तो 800 के नज़दीक पड़ा, तो हमने लिख दिया 800। अब देखो 300 और फिर हमने देखना 400, और मैंने इसका सेंटर होगा 350। अब देखो 54 है, तो 354 भी इधर आ जाएगा, 354 इधर आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा, तो 350 से ऊपर जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं 800 और माइनस 400। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, जीरो को जीरो, जीरो को जीरो, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ये तो एस्टिमेट आया, ये तो क्या है हमारा एस्टिमेट है, एक्चुअल अगर हम करेंगे, एक्चुअल हमारे पास 773 और फिर कितना था 354। ठीक है, इसको मैनेज करेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, ये 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 7 था तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ 7 था, 7 में से 3 गए 4। तो एक्चुअल तो ये है, लेकिन अगर एस्टिमेट करके करेंगे तो इस ढंग से हो जाएगा। तो थैंक यू।